हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर इंडा ब्लॉग का। मैं आपका अपना गौरव। तो शुरू करते हैं नई ब्लॉग को। देखे अदिति एक ग्लव्स लाई थी, ये पहन के जाता हूँ क्योंकि यार धूल मिट्टी धूप वगैरह मेरे यहाँ ना सनबर्निंग हो गई थी बहुत ज़्यादा। इतने में बहुत ज़्यादा बिल्कुल काले काला, और उस दिन ना पूरे दिन मेरे इतनी चीज लगती रही, दर्द होता रहा, जलने की वजह से धूप की वजह जल गया था पूरा हाथ यहाँ पर, इतना अभी निशान है पूरा इधर भी और इधर भी, बहुत बुरा हाल हो गया था उस दिन। तो मैंने ये पहनने सोचे, और अभी नाश्ता वगैरह हो गया है, और इधर इसे देखो क्या जिद कर रही। क्या चाहिए तुझे? कौन है? चलो चलो चलो, बता दे मम्मी को, बता दे ओके गाइस। तो मैं चलता हूँ, बस टाइम हो गया है मेरा, मेरे धन में खड़ी, बस चलते हैं अभी, तो मिलते हैं शाम को, बाय बाय। देखे वर्षा का जरा सा आराम होता ही लग गया, अपना बच्चों के साथ खेल रहा है, और इधर सेफ सारे कपड़े लगा रही है। चाप दिले लेंगे तेरी। बट अभी कहा कि पट्टी खुल जा रही है, कर लेते हैं साथ, तो पैर का जोर चलेगा ना। हेलो, राम राम जी, बड़ों को राम राम, छोटों को प्यार वाला आशीर्वाद, और शाम का खाने की तैयारी चल रही है। शाम का आज मेरी सुबह से तबीयत खराब नहीं थी, आज लोग सूट नहीं हुआ, तो इस वजह से शाम के खाने में बन रहे हैं दाल चावल और आम की सब्जी, जो कि गौरव के पापा को बहुत पसंद है, और गौरव को भी मीठी आम की सब्जी बनेगी। वर्षा तू भी खाएगी क्या? तू तो नहीं खाती, मेरी खटाई बंद है, ऊपर से मैं खाती भी हूँ। खाती भी नहीं तो बहुत लंबा उठ काट दा जो चीज के पर सभी वो सिटी भी आ गई, आपको देख कर मार रही है, जाके उसे समझाना हो। अरे मान जा, मम्मी को देख कर सिटी ना मारी, पापा जी अभी सिटी मारने को बस फोकस पे भी रखोगी नहीं तो ऐसा ना, मेरी दोनों बेटी वाह क्या कहना। अरे 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 लग गई रे, ये देखा रही का तो चले ढूंढा रुई को, कहाँ है रुई? पर देखा कि क्या झुकी हुई है रुई। वह मेरी देवती लगती है हमारी। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अपने बातों पर आज बता दो तुमसे। कुछ नहीं रानी जी, अब तो बहुत छिड़ गई है, मम्मी तेल नहीं बना। इसमें कटिंग भी करवाई थी हम, बता दें मगर मान लिया नहीं। कटिंग जब फर्स्ट लगा था ना तब करवाई थी, अब तो बढ़ गई। शैम्पू कौन सा यूज करें? हेड एंड शोल्डर, वही है दिक्कत। फिर आज है ना लंबे बाल होने का, पता नहीं सही है, लंबे बाल अच्छे होते हैं बेटा, तू कटवाना नहीं। और मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ, देखो मेरा घर ये मत कहना कि कुछ ना कुछ बीमारी होती रहती है। आप पूछ रहे थे आंटी जी के कुछ हो रहा था, मेरे ना नीचे के दांत पूरे चीज से दर्द कर रहे थे बहुत ज़्यादा, आज लोग सुबह से नहीं सूट हो पाया क्योंकि बस मैं भी नहीं काम करा, मैंने सुबह से खड़ी नहीं हुई, पूरा आदित्य ने किया है, और बस वर्षा भी मेरे पास लेटी रही पूरा दिन, ऐसी लेटी मैं सुबह शाम के टाइम 4 बजे नहाई हूँ, फिर उठ के थोड़ा कहना महसूस किया अच्छा सा, दूध लेकर आई आके, अब जाके मैं ऊपर देखती हूँ, ऊपर जाके छत पे छत की सफाई करती हूँ, थोड़ा सा हवा सी लगेगी और खुद को रिलैक्स महसूस करूँगी, पौधों में पानी दूँगी, और मेरे साथ चलो आप भी छत पे मेरे गार्डन में। तो मैं पाइप लेकर आई हूँ, आज छत की धुलाई करूँगी क्योंकि नीचे की छत भी ना कमरे भी ठंडे हो जाएंगे अगर हम छत की धुलाई करेंगे, एक पंथ दो पार सफाई भी होगी और छत मतलब नीचे कमरा भी ठंडा होगा। मैंने सोचा आज मैं छत को धुल देती हूँ क्योंकि काफ़ी गंदा हुआ है, गार्ड लगाने से मैं
झाड़ू लगाई थी, इधर कूड़ा हो रहा है, पहले मैं इसको साफ कर दूँ। यही जरूरी है क्योंकि नीचे की सफाई जरूरी है, छत की भी जरूरी है सफाई। अब छत पर पानी गिर कर ना ठंडा हो जाएगा कमरा, पंखे भी ठंडी हवा दे, एसी बन जाएगा पंखा है, और थोड़ी सी देर बैठ जाओ फिर अंधेरा हो जाएगा। और भाई आपने, मैं देखो नाम भूल जाती हूँ, मेरी मेमोरी वीक हो रही है। आपने कमेंट्स किया था कि तिरोध से कमरत मेरा छूट गया था, तो मैं फिर से कर सकती हूँ क्यों? मैं आपको जवाब देती हूँ कि आप तिरोध से कमरत दोबारा से कर सकते हो। पापा नीचे ही तेरे वे नीचे थे या जाली होंगे बाहर घूमने, तो आप दोबारा से व्रत कर सकते हो अगली त्रयोदशी को, क्योंकि चांदन में आएगी वो अमावस के बाद, अमावस से पहले आएगी त्रयोदशी, आप व्रत कर सकते हो मंदिर में, फिर दो लोगों का जोड़ा और एक पान चढ़ा कर फिर दोबारा से शुरू कर सकते हो व्रत। ऐसा नहीं, देखो मैंने तो आज तक छोड़ा नहीं, जब जिस दिन से मैंने व्रत रखा, मैं अपना खुद का बताती हूँ, कुछ भी हालत हो मेरी, मैं व्रत जरूर रखती हूँ। 15 दिन में एक बार त्रयोदशी आती है, मैं जरूर व्रत रखती हूँ। देखो आपका भूल से छूट गया तो कोई बात नहीं, आप व्रत रख सकते हो, और आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगी जितना मेरे से हो सकेगा, उतना सहयोग करूँगी आपके लिए। देखो बिल्कुल साफ हो गया, छत भी बिल्कुल ठंडी हो गई, सारी छत साफ कर, और ये आता चुपके से इधर लग गया धीरे से। मैंने इधर से ढिलाई करी, ये आए पाइप सब, ये लग गए, देखो ये हुआ है काम में, पाइप लेकर लग गए। वो सुना है ना आपने, साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो भी सब साफ सफाई, पता नहीं कैसे कैसे कमेंट्स करते हैं, कहते हैं कि गौरव अदिति के पीछे भाई अदिति है, अदिति देखो, और अदिति नहीं कहेगा तो और क्या कहेगा, ये बताओ कि आंटी जी को और बहनों को भूल गया, ऐसा कुछ नहीं है, वो बाकायदा अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभा रहा है, सब कुछ बिल्कुल घर में बढ़िया अच्छा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अंदाजे गलत लगाते हो, यही मुझे गलत बात लगती है आप लोगों की, क्योंकि वो बहुत अच्छे से ध्यान रखता है सबका, कहने का मौका नहीं आने देता। उसकी नई नई शादी हुई है, अभी 3 महीने शादी को हुई है, तो देखो उसका ध्यान नहीं रखेगा और कौन रखेगा, उसका ही कौन हो यहाँ पर, हम सब हैं तो हम भी तो सुबह से चला जाता है शाम को आता है, बस दिन में हम रहते हैं उसके पास में, तो ये तो सब एक फैमिली में होना चाहिए, एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। आप ऐसे ऐसे कमेंट्स मत किया करो, और थोड़ा सा बेचारे का थोड़ा उसका भी तो इंजॉय करने का मौका दो उसे। और जब उसके पापा मेरा इतना ध्यान रखते हैं तो वो भी तो रखेगा ना अपनी पत्नी का, थोड़ा परवरिश का भी थोड़ा सा होता है, रखना भी चाहिए, घर परिवार ऐसे ही चलता है। आप लोग भी सीख लीजिए, थोड़े से कमेंट्स गलत मत कीजिए। इतने पहले दाल छोक रही हम, दाल छोक रही मम्मी जी, अब तो तेरे पापा बहुत खुश हो जाएंगे, हम आम खुश होकर खा रहे हैं, आम पसंद है ना, तभी तो कल लेके आए थे। चल ठीक है, तो छोड़ दे, तेरे आने वाला होगा ना, वो भी चल गया, ला फोन मुझे